आपको सुनाते हैं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय ने, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर के दौरे पर रहे, यहाँ पर कई सौगातें उन्होंने आम लोगों के लिए समर्पित की और इस दौरान मंत्री शकुंतला रावत भी मौजूद रही। उनके काम की सराहना वो हर मंच पर करते हैं, आज भी उन्होंने ऐसा जिक्र किया और इन्वेस्टर समिट की तारीफ भी की, आपके कामों की तारीफ भी की और अलवर वासियों को जो सौगात मिली उसको लेकर आप क्या कहेंगे? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे ही 200 विधानसभा क्षेत्र में जो उनका कथन है कि भाई काम तुम मांगते मांगते थक जाओगे, लेते लेते थक जाओगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा, तो इतने कामों की जिस भी काम के लिए एप्लीकेशन दी, चाहे वो कोई भी विधायक हो, और वो काम का जो कागज़ है वो स्वीकृति होकर के आया, स्वीकृति ही नहीं वो सारे काम चालू हो गए हैं। जैसे कॉलेज स्वीकृत हुआ तो उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है, कोई स्कूल क्रमोन्नत हुए तो आपने देखा होगा पूरे राजस्थान में सारे के सारे स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के हर पंचायत में 12वीं कर दिए गए हैं कि जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएँ हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, अपनी ही ग्राम पंचायत में वो पूर्ण रूप से शिक्षा ले सकें, चाहे कॉलेज खोलने हो, अस्पताल क्रमोन्नत करना, तहसील बनाना, कोर्ट खोलना, सड़कें बनाना, कोई काम ऐसा नहीं है कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने नहीं किया। उनकी सारी योजनाएं, चाहे ओल्ड पेंशन योजना हो, चाहे कर्मचारियों के लिए RGSH हो, और ओल्ड पेंशन से तो कर्मचारी युवा इतने खुश हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से स्वागत किया था। और आज किशनगढ़ में जो दौरा था सम्माननीय दीपचंद खैरिया जी के क्षेत्र में, तो 71 चीज़ों का शिलान्यास और उद्घाटन उन्होंने किया। तो आप सोचिए कि शायद इतने 70 सालों का काम एक तरफ और ये 2 साल का काम एक तरफ है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने कभी भी किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और जो समिट को लेकर के किया कि ऐसा पहली बार हो रहा है राजस्थान में कि हमेशा कभी भी रोड शो होते हैं लेकिन प्रत्येक जिले में रोड शो होना, जो राजस्थान के पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे, लघु कुटीर उद्योग धंधे, उनको जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं वो कर सके, महिला कर सके, प्रत्येक जिले में रोड शो हुए जिससे कि वो पारंपरिक उद्योग धंधों को स्थापित किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा युवा और महिलाओं को रोजगार मिल सके। जो हमारे राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है, चाहे रिप्स हो, चाहे MSME हो, चाहे मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, SC ST के लिए, महिलाओं के लिए, तो हर क्षेत्र में योजनाओं, इतनी योजनाएं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे राजस्थान की और हमारे राजस्थान की योजनाओं से आकर्षित हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित होंगे और हो रहे हैं। आपने देखा उस दिन हमने 51 का तो शिलान्यास और उद्घाटन किया था, समिट वाले दिन हमने कोई एक भी उस दिन MOU और LOI साइन नहीं किए, तो ये दर्शाता है कि हमारे धरातल पर उतर गए हैं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के युवा और महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। आज सभा की हम बात करें तो महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा रही। बिल्कुल, महिलाओं को जो एक विशेष जो योजनाएं मिली हैं, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे इन्वेस्टर्स के क्षेत्र में हो, और आप देखेंगे कि चाहे उड़ान जो योजना है कि प्रत्येक गांव और ढाणी तक, स्कूल तक, सभी जगह कॉलेजेस में सैनिटरी नैपकिन्स देना हो, और महिलाओं को चाहे राजीविका के ग्रुप में जोड़ना हो, तो इससे महिला संबल हो रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, इससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार की हैं वो एक से बढ़कर हैं, तो उनसे महिलाएं हमारी आकर्षित होती हैं, और जो भारत देश की जो महंगाई है उससे महिलाएं त्रस्त हैं। आपने देखा होगा कितनी खुश थी महिलाएं आज की। बिल्कुल, आज 71 ऐतिहासिक कार्यों का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ, आने वाले वक्त में अलवर वासी क्या उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस सरकार से? अलवर वासी, चाहे हमारा ये जो RCP वाला जो चल रहा है कि भारत सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री घोषणा कर जाते हैं और फिर उसको नकार देते हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और लेकिन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम उस योजना को बंद नहीं करेंगे, हम उसे चालू रखेंगे, भारत सरकार उसे चालू करे या नहीं करे हम भारत सरकार के भरोसे नहीं है। और अलवर के लिए शायद पूरी 11 विधानसभा क्षेत्र में जितना काम मिला है उसका गिनाना चाहें तो इतना अधिक काम है हर क्षेत्र में, चाहे मेरे यहाँ उपजिला अस्पताल भी दिया है जैसे बांसूर में भी, और ACGM कोर्ट भी खोला है, तहसील भी बनाया है, SDM ऑफिस, AEN JEN ऑफिस, कॉलेज की वित्तीय स्वीकृति निकलना, सड़कें बनाना, तो ये बहुत बड़ा एक इस बार सरकार ने जो काम किया है वो धरातल पर है और सारी जनता, आपने देखा मीटिंग में, खुश दिखाई दे रही है।
तो ये थी हमारे साथ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो जो बजट में घोषणाएं की वो धरातल पर उतरी और आने वाले वक्त में कुछ और ऐसी अहम घोषणाएं की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट यश के साथ आयुषी विजयवर्गीय, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर।